शाखा प्रबंधक हूँ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। आपको बधाई कि आपकी शाखा का कल 68वां स्थापना दिवस है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे जो इतने समय आप लोगों ने इस मुकाम हासिल किया? मान समारोह है और वर्षगांठ है संस्था की, क्योंकि संस्था पिछले इतने वर्षों से क्षेत्र में कार्यरत है और ना केवल ग्वालियर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई संस्था है और लगभग 180 जगहों पर संस्था के कार्यालय हैं और लगातार समाज सेवा का काम कर रही है। जहाँ तक श्रेय की बात है वहाँ उसके संदर्भ में मैं यही चाहूँगी कि संस्था जो भी कार्य समाज के लिए कर रही है उसमें विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग है, विभिन्न संस्थाओं का सहयोग है और यहाँ तक कि समुदाय का भी बहुत बड़ा सहयोग है जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हर पग पे हम लोगों का साथ दिया है। और इस वर्षगांठ पे हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारी ये जो इतने वर्षों की यात्रा है 68 ईयर्स की जो हमारी यात्रा है उसमें जिन लोगों ने भी इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद की हम उनको सम्मानित कर पाएँ और आगे भी उनका इसी तरह से सहयोग ले पाएँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अकेले काम करना बहुत मुश्किल है और जिन मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं कि समाज के वो वर्ग जहाँ तक सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का अभाव है वहाँ तक सेवा पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो लगभग समाज के वो सारी संस्थाएँ प्रशासनिक अधिकारी उन सबका हमें सहयोग मिलता आया है। तो आप जी 68वें स्थापना दिवस पर आपके कार्यक्रम में कल कौन आ रहे हैं और किन किन का सम्मान? कल के कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य जो हमारे मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के वो शहर के जाने माने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं माननीय जयभान सिंह पवैया हमारे बीच में होंगे और उनके माध्यम से ही हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सम्मान दिया जाएगा और संस्था की गतिविधियां भी हम उनके समक्ष रख सकेंगे ताकि ये गतिविधियाँ उनके माध्यम से दूर तक पहुँच सकें। आखिर इसकी स्थापना कैसे हुई थी, किन उद्देश्यों को लेके FPA बना था, थोड़ा सा विस्तार दें। शुरुआत में जब फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना परिवार कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर ये पूरे परिवार का एक कार्यक्रम बन गया और आज हम परिवार के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था कर रहे हैं, उन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं, चाहे वो तुरंत पैदा हुए बच्चे हों, उनका टीकाकरण हो, किशोरावस्था के बच्चे हों या फिर 40 से ऊपर की आयु के लोग हों, हर वर्ग के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उन्हें सेवाएं पहुंचाने का व्यवस्था की जा रही है। तो आगे क्या और आपकी योजनाएँ हैं जिससे कि समाज में और समाज में रहने वाले लोगों को उसका लाभ मिल सके? अभी मतलब आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन कुछ कार्यक्रम अभी नए जिन पे विचार किया जा रहा है। सम्माननीय कलेक्टर साहब ने भी अभी एक बैठक में जैसा कि कहा था कि कुपोषण से जुड़े हुए बच्चों पर भी एक उनको भी ऊपर लाने के लिए एक व्यवस्था की जानी चाहिए, तो उस क्षेत्र में भी संस्था आगे आने के लिए कार्यरत है और जो हमारे कार्य क्षेत्र में हमारी 28 आंगनबाड़ी हैं उनके साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। किशोरावस्था पर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो भी किशोरियां हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर जो भी अभी स्वास्थ्य परीक्षण हुए हैं उनमें उनके स्वास्थ्य का स्तर अभी थोड़ा नीचे है, तो उसको उनका हीमोग्लोबिन स्तर, उनका न्यूट्रिशन, उस पर भी थोड़ी जागरूकता फैलाने का काम संस्था कर रही है। साथ ही साथ परिवार कल्याण में हम कितने भी प्रयास करें आज भी पीछे हैं, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी संस्था आगामी वर्षों में प्रयासरत रहेगी। कल कार्यक्रम आपका जो होने जा रहा है 68वां स्थापना दिवस, किन किन का सहयोग में और रहेगा? मैं ये हमारी संस्था के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, जो भी कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, सारी व्यवस्था उनके मार्गदर्शन में होती है, तो हमारे बीच में प्रोफेसर अशोक शर्मा जी हैं जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ों को गति दी जा रही है। हमारी संस्था के सचिव हैं प्रोफेसर वो डॉक्टर HS शर्मा जी जो कि भूतपूर्व संयुक्त संचालक स्वास्थ्य रह चुके हैं, उनका मार्गदर्शन है इन विभिन्न गतिविधियों को ऊपर लाने में। इसी तरह संस्था के और भी हमारे सदस्य हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं चंदेल सर, है ना, डॉक्टर विसेन हैं, तो ये सारे जो हमारे 18 सदस्य हैं वो उनका निरंतर सहयोग हमें मिलता रहता है और कल के कार्यक्रम को सफल बनाने में हर सदस्य का अपना एक अलग योगदान है जो कि इसको सफल बनाने में हमारे साथ।